मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भिलाई के कुर्सीपार में आयोजित क्षेत्रीय उद्यमी सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उद्यमी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उद्यमिता के विकास और प्रदेश में नए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लघु उद्योग भारतीय द्वारा सम्मेलन का आयोजन एक महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले महीने प्रदेश में नई उद्योग नीति 2024-29 लॉन्च करने की तैयारी है। इस नीति में छोटे और मझोले उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष रूप से प्रावधान किए जा रहे हैं। देखिए, उद्योग भारती के द्वारा यहाँ पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें लघु उद्योग भारती के हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों प्रदेश के पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं और भारी संख्या में दोनों प्रदेश से उद्यमी भी हैं। और निश्चित रूप से लघु उद्योग भारती की पूरे देश में 1000 इकाइयाँ हैं और 65,000 से ज़्यादा सदस्य हैं। और ये लघु उद्योग भारती हमारे जो MSME के जो छोटे छोटे उद्योग धंधे करने वाले हैं उनको मतलब प्रोत्साहित करने का काम करती हैं। और हमको लगता है कि जो सम्मेलन यहाँ पर आयोजित हुआ है, इसे निश्चित रूप से हमारे प्रदेश को लाभ होगा। उद्यमियों की मांग पर मुख्यमंत्री ने लघु उद्योग भारतीय के लिए नया रायपुर में भूमि और मध्य प्रदेश के समान छत्तीसगढ़ में भी MSME मंत्रालय के अधीन स्थापित करने का आश्वासन दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने लघु उद्योग भारतीय की छत्तीसगढ़ उद्योग दर्पण 2024 पुस्तक का विमोचन किया।